वहीं मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के परिणाम आ गए हैं। रविवार को 11 नगर निगमों के रिजल्ट ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी को 4 सीटें गंवानी पड़ी हैं, जबकि पहली बार आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में मेयर पद पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को भी बड़ा फायदा हुआ है। 2015 में एक भी सीट नहीं जीतने वाली कांग्रेस इस बार 3 मेयर बनाने में सफल हुई है। रोचक बात यह है कि कांग्रेस के 3 वर्तमान विधायक मेयर का चुनाव भी हार गए हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी जीत का स्वाद चख लिया है। ओवैसी की पार्टी के पार्षद निर्वाचित हुए हैं। वहीं रविवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, बुरहानपुर, सिंगरौली, सागर, सतना, छिंदवाड़ा और खंडवा के नगर निकाय के रिजल्ट आए हैं। पहले इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, मगर इस बार के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 7 सीटें जीत पाई हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, सतना, खंडवा और बुरहानपुर में जीत मिली है, जबकि ग्वालियर, जबलपुर और छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मेयर बने। इसके अलावा सिंगरौली में आपकी रानी अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। वहीं प्रदेश में आपने पहली बार मेयर का चुनाव जीता है। मैं भोपाल के मतदाताओं का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महापौर के लिए और पार्षदों के लिए उन्होंने जो बहुमत दिया है, उन्होंने मतदान जो करा है, विश्वास जो जगाया है, उसके लिए मैं भोपाल के मतदाताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर और बूथ स्तर तक का और पेज प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करती हूँ कि